सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु में। दोस्तों आज का वीडियो फोटो में इफेक्ट डालने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फोटो एडिट करने वाला एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक से अपनी फोटो को वेक्टर आर्ट बना सकते हो, जैसे आपकी किसी ने पेंटिंग की हो। दोस्तों बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। अगर आप भी अपनी फोटो को वेक्टर आर्ट बनाना सीखना चाहते हो या फिर आप अपनी फोटो को बेहतर एडिट करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप में सर्च बार में आपको यहाँ पे लिखना है MEITU। जैसे आप MEITU लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा ये मेटू, और आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आइकन वाला एक एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। आप देख सकते हैं 10 मिलियन इसके डाउनलोडेड है और 4.5 की इसकी रेटिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए मैं यहीं से इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे आप एडिट है, ब्यूटी है, तो हम सबसे पहले एडिट में जाते हैं। और दोस्तों एडिट में जाने के बाद में आप अपनी फोटो को यहाँ से बेहतर एडिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ, और एक फोटो लेने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो ये जो है एडिट कर चुका है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ये देखिए बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैजिक ब्रूस है या फिल्टर्स है या फिर आपको क्रॉप है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर आप एक एक करके आप यूज़ करोगे तो आपको सारे के आप समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं सबके बारे में आपको यहाँ पे नहीं बता सकता। अगर मैं सबके बारे में बताने लग गया तो यहाँ पे वीडियो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे फ़ोटो में चेंजिंग हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही कुछ है इस एप्लीकेशन में, आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ही बेहतर एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एडिट में आप इस तरीके से आप अपने फोटो को क्रॉप या ब्राइटनेस या कुछ भी यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों दो नंबर का है वो है ब्यूटीफुल। अगर आप ब्यूटीफुल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो को ले लेना जिस फोटो पर आपको एडिट करना है। चलिए मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला है वो है मेकअप का। अगर मेकअप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला है वो है लिप, जो आपका जो लिप है उनका कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आप जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप एक एक करके आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो अच्छा लगे वो यहाँ से आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा दूसरा वो है ब्रो का, आईब्रो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इसकी भी आपको यहाँ पे सैंपल मिल जाएंगे। आप एक एक करके आप क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा आपके चेहरे पे अच्छा लग रहा है, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आईज का। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें भी आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर आप एक एक करके यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों इसमें इस जो एप्लीकेशन है इसमें आपको यहाँ पे आप अपना चेहरे को स्लिम या अपनी आँख को मोटा पतला, नाक को मोटा पतला, या फिर आप अपने चेहरे को स्लिम बना सकते हो। तो दोस्तों बहुत कुछ है, आप एक एक करके इसको यूज़ कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अपने जो मेन टॉपिक है उसकी। यहाँ पे उसके लिए दोस्तों आपको वेक्टर आर्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा टेक मैजिक पे, और टेक मैजिक पे जाने के बाद आपको यहाँ से आपको यहाँ पे जो ट्राई इतना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं मेरा कैमरा है वो ओपन हो चुका है। अगर आप चाहें तो कैमरे से भी ले सकते हैं, वरना आपके साइड में यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी गैलरी से कोई भी फोटो को ले लीजिए। चलिए मैं यहाँ से उसी फोटो को ले लेता हूँ और मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप इस पर कोई फोटो को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी ड्राइंग बननी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये बन चुकी है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे वो क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल कैसी थी और अभी कैसी हो चुकी है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। उसके अंदर जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक एक में 10-10, 15-15 यहाँ पे आपको जो वेक्टर आर्ट के जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे ये वेक्टर आर्ट बन चुका है। दोस्तों बहुत ही कमाल का ये एप्लीकेशन है। आप अगर इस तरह की फ़ोटो आप अपनी बनाना चाहते हो तो आपके लिए जो फोटो एडिटर है वो बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों आप एक एक करके आप यहाँ इन सबको आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो में बना सकते हो। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल और यहाँ पे भी ये मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर मिल जाता है सेव का ऑप्शन, तो आपको सेव पे क्लिक करना है और आपके जैसे सेव करेंगे तो गैलरी में आपकी ये फोटो चली जाएगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।